गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई एस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है कैसे हैं आप सब लोग येस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू होप यू ऑल आर फाइन आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे जय हिंद साथियों जल्दी से जुड़ जाइए क्लास आप लोगों की शुरू हो चुकी है अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गैलेक्सी क्या नाम है इनका एम पी ओके टिंकल पी के कुशवाहा तो डियर ऑल स्टूडेंट डियर प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से जुड़िए क्लास आप लोगों की शुरू हो चुकी है कैसे हैं आप सभी लोग हाँ जी कैसे हैं आप सभी लोग हाँ आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे बहुत ही बेहतरीन होंगे आवाज ऑडियो और वीडियो क्लियर है एक बार प्लीज बता दीजिएगा इस हाँ मैं हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ यहाँ भाई हिस्ट्री पढ़ाती हूँ हिस्ट्री तो मैं ऑप्शनल भी हम पढ़ाते हैं जी बताइए हाँ जी एक बार बता दीजिएगा यहाँ पे ऑडियो और वीडियो क्लियर है ताकि हम लोग फिर आगे अब कंटिन्यू करेंगे यस एक बार प्लीज बता दीजिएगा इज ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी से जुड़िए भाई क्लास शुरू हो चुकी है आप सभी कहीं हाँ ऑडियो क्लियर है वीडियो क्लियर है चलिए अभिनंदन हार्दिक स्वागत और होप यू ऑल आर फाइन बस जो है अच्छा करना है बेहतर करना है और सुबह की शुरुआत मेरे साथ <laughs> है ना तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मॉर्निंग की शुरुआत मेरे साथ और यहाँ मैं आपके जो स्पेशली वो स्टूडेंट जो 2024 और 25 में या फिर कह लीजिए कि अपने नॉलेज या अपने इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है हाउ टू रीड करेंट अफेयर्स और किस प्रकार से हम इसे तैयार करें ताकि आने वाले समय में आगामी परीक्षा में ये आपके लिए और भी बेहतरीन हो जाए है ना और भी बेहतरीन का मतलब ये हुआ कि आपको ये पूरी तरह से क्या हो आपको हेल्प मिले और यहाँ जो प्रम बोस्टर में आप पढ़ेंगे वो आपको हमेशा क्या रहेगा काम देगा और आगामी परीक्षा में इतना तय है कि यहीं से प्रश्न आएंगे इसलिए इस क्लास से जुड़िए हमारे साथ जुड़िए मेरे साथ जुड़िए अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई के साथ जुड़िए चलिए आते हैं यहाँ पर तो इसके पहले कि स्टार्ट करें हम लोग कुछ बातें यहाँ देख लेंगे सो वाई ज्वाइन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई एस देखिए ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के विद्यार्थी रह चुके हैं और जिन्होंने सिलेक्शन लिया है अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं रॉब के बारे में देखिए रॉब का जो है ना लास्ट बैच स्टार्ट हो चुका है रॉब का मतलब ही है रिजल्ट ओरिएंटेड बैच और ये जो बैच है ये दो हजार चौबीस और पच्चीस के लिए यानी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दोज हुआ प्रिपेरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव उनके लिए ये बैच बहुत ही क्या है शानदार होने वाला है तो अभी नहीं तो कभी नहीं बैच जो है ये कल से यानी कि जो है यस्टरडे से ये बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम फोर्थ ऑफ अक्टूबर आप में से जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग एडमिशन ले लें इसमें देखिए इसमें 1100 प्लस आवर्स ऑनलाइन लाइव क्लासेज है दो टेस्ट सीरीज है ग्यारह सौ ई बुक्स है और आठ आपको क्या है बुक्स है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा आपका इंक्वायरी का नंबर ओके तो ये देख लीजिएगा रॉब लास्ट फाउंडेशन बैच है तो जुड़िए इससे अभी नहीं तो कभी नहीं चलिए जी अब आते हैं यहाँ पर चूंकि आप सबको पता है कि नोबल प्राइज की घोषणा लगातार हो रही है कल हम लोगों ने अभी परसों की क्लास में हमने ये बताया कि भाई अगर बात किया जाए मेडिसिन में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है चलिए अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं कि क्या रहा न्यूज में और क्या रहा चर्चा में ओके यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जो भी स्टूडेंट लेट से जुड़े हैं शालिनी आ, क्या नाम है इनका जूमी गुंजन इतुसुयस सभी का स्वागत है आई एस ड्रीमर आइए देखते हैं कि ये क्यों चर्चा में रहा वाई दीजन न्यूज दो तेईस के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रकाश की संक्षिप्त चमक में इलेक्ट्रॉनों को देखना ये जो अभी बात किया जाए यहाँ पे कि जो नोबेल पुरस्कार मिल रहा है ये देखते हैं यहाँ पे वन सेकेंड अच्छा यहाँ देख लीजिएगा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ठीक है ना 2023 पियरे ऑगोस्टनी फ्रेंस क्राउज एंड एनी लिहलर नाम है इनका विन फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स अब देखेंगे यहां पर तो इसमें क्या कि द नोबेल प्राइज जो है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे इन केमिस्ट्री लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमिक साइंस आर येड टू बी रिविल्ड विथ अनाउंसमेंट शेड्यूल्ड अटिल जो है अक्टूबर नाइज यानी अभी जो है अभी और घोषणाएं होनी है नॉबल पुरस्कार में नौ तारीख तक में यानी अक्टूबर नौ तारीख तक पूरी घोषणाएं हो जाएंगी तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉबल पुरस्कार जो है यहाँ पर फिजिक्स के लिए फिजिक्स का मतलब ये यह हुआ यहाँ पे भौतिकी का जो नॉबल पुरस्कार है ये अनाउंस किया जा चुका है इनका नाम है पियरे ओगोस्तनी इनका नाम है एरे फ्रेंस हैं और दूसरे यहाँ पर एने हैं इनको मिला है इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स की स्टडी के लिए इनको यहाँ पर जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है तो एक बार यहाँ देख लीजिएगा यह इमेज इमेज देख सकते हैं आप नोबेल प्राइज 2023 इन फिजिक्स वोन बाय पियरे ऑगस्टिनी फ्रेंस क्रॉस और एने लाउरिनी यहाँ पर देखिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे जहाँ पर जिस क्षेत्र में नॉबल प्राइज मिला है तो कई बार वहाँ से चलिए कोई बात नहीं पवन जुड़ तो गए ना कोई दिक्कत नहीं यह सब है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अभी मुझे पता है बिहार झारखंड में काफी ज्यादा बारिश हो रही है आई नो वेरी वेल वहां पर समस्याएं हैं थोड़ा सा अभी मौसम जो है सही नहीं चल रहा है बट कोई बात नहीं ठीक है ना कोई बात नहीं अगर देर से भी जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बस जुड़िए जरूर है ना चलिए जी अच्छा जी अब आते हैं यहाँ पर देखिए पियरे ऐगोस्टनी फ्रेंक क्रॉन्स और एनी एल हुईलियर प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले ध्यान से देखेंगे क्या है किस संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है प्रायोगिक तरीकों में उनके अभूतपूर्व काम के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है अब आइए देखते हैं यहां पर स्पेशली इन द कंटेक्सट ऑफ दैट मिस्टर पीएर एगोस्टनी फेरेंस क्रॉज ठीक है ना एंड एन हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 फॉर देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पलसेज ऑफ द लाइट तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो सर्च है या इनकी जो खोज है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि इन्होंने जो है इनका जो मेथड है इनका जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट जिसके कारण इन्हें क्या मिला है यहां पर हाँ जिसके कारण क्या मिला है इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है प्रखर कह रहे हैं कि इनके नाम ऐसे रहते हैं मेरी बात समझिए देखिए जो जहाँ जिस देश का होता है ना तो वहाँ पर उसी तरीके से नाम रखा जाता है अब वहाँ के जो लोग हैं शायद उनको हम लोगों के नाम बड़े अजीब लगते होंगे कि ये किस तरह के नाम हैं बोले नहीं जाते हैं तो ये तो सभी एक दूसरे के देश के लोगों के साथ ये दिक्कत है भाषाई समस्या सबकी भाषा एक नहीं है बिकॉज वी ऑल आर सेम बट द लैंग्वेज इज़ नॉट सेम तो ये ये इसके लिए तो डिटरमाइन रहा कीजिए भाई अलग अलग देश है और यही तो पूरी दुनिया की यही तो खूबसूरती है कि अलग अलग लोग हैं और अलग अलग भाषाएं हैं चलिए अब देखते हैं यहाँ कि ये यह जो एटो एटोसेकेंड के बारे में अगर कहा जाए तो ये परमाणु और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों के जटिल व्यवहार का अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खोल दिए गए हैं अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि नोबेल पुरस्कार दिया किसको जाता है देखिए नोबेल पुरस्कार इस संदर्भ में दिया जाता है जब आपके रिसर्च ने या आपके खोज ने एक बहुत ही परिवर्तनकारी या एक कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग या रेवोल्यूशनरी खोज जिसने किया हो अगर आपको याद होगा मेडिसिन के संदर्भ में जो मिला है इस बार का नोबेल प्राइज़ तो क्यों क्योंकि कोवैक्सीन या कोरोना का वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा एम की खोज जो इन लोगों ने की जिससे कोविड का वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला सेम लाइक दैट यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भौतिकी में अगर बात किया जाए तो इनके जो रिसर्च हैं और इन्होंने जो जो अभी आ, यहाँ पर जो इनकी डिस्कवरीज है ये आने वाले समय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बेसिकली अणु अणुओं के भीतर ठीक है ना इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स के जो जटिल व्यवहार होते हैं उसके स्टडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा इसका सिग्निफिकेंस यहीं पर बढ़ जाता है सो बेसिकली दीज ऑटो सेकेंड पल्सेज फॉर द इंटीग्रेट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ना विद इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओके तो ये आप देख सकते हैं कि जिसके कारण ये चर्चा में रहा और ये खोज कहीं ना कहीं से क्या रहेगा बहुत ही रेवोल्यूशनरी होने वाला है बहुत ही क्रांतिकारी हो सकता है क्योंकि कुछ नए जो है हमारे सामने जो है स्टडीज या नए रिसर्चेस अभी हम लोग के सामने आ सकते हैं ओके है चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देखिए अगर बोला जाए तो देर रिया इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस अकर विद इन अ फ्यू टेंस ऑफ एन ऑटो सेकेंड मेकिंग देम वर्चुअली इम्परशिबल टू ह्यूमन ऑब्जर्वेशन टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड सच जो है फ्लीटिंग इवेंट्स स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्र में परिवर्तन एक ऑटो सेकेंड के कुछ दसवें हिस्से के भीतर होते हैं जिससे वे मानव अपलोकन के लिए लगभग अदृश्य हो जाते हैं ऐसी क्षणभंगुर घटनाओं की जांच करने और समझने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता है समझ में आ रही है बात कि क्या है यहाँ पर जैसे अगर भौतिकी में जो नई खोज आप देख पा रहे हैं तो ये नई खोज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑटो सेकंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें जो चेंजेस होते हैं ध्यान से सुनिएगा जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कई बार चूंकि ये क्या कुछ जो है यहाँ पर कि ऑटो सेकेंड के कुछ दसवें हिस्से के भीतर ये घटनाएं घटती हैं जिसके कारण हम ह्यूमन्स वो लगभग जब तक हम स्टडी करने जाते हैं तब तक वो क्या हो जाता है इनविजिबल हो जाता है दैट्स वाई कहीं ना कहीं से समस्याएं आती हैं और यही कारण है कि यहाँ पे इनका जो खोज है ना ये खोज कहीं ना कहीं से आगे आने वाले इसमें समय के लिए जिसको अगर हम लोग बोला जाए तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी और एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज हो सकता है आप लोगों से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फिजिक्स में बहुत मन लगता है हाँ जी कितने लोग ऐसे हैं जिनको फिज़िक्स में बहुत मन लगता है जो फिज़िक्स समझते होंगे ज़्यादातर लोग जो फिज़िक्स के बहुत जो कह सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फिज़िक्स में क्या होता है बहुत ज़्यादा उनका मन लगता है एक तरह से और किसी किसी का तो साइंस बैकग्राउंड ही होता है तो देखिए ऐसे जो नॉर्मली अगर हम लोग ये कहेंगे कि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो लोग हैं ह्यूमैनिटीज़ का मतलब ये हो गया यहाँ पे अगर बोला जाए यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के संदर्भ में अगर कहा जाए कि मानविकी से संदर्भित जो भी स्टूडेंट हो सकता है उनके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग नहीं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हों ठीक है ना हाँ नहीं समझ में आ रही हो लेकिन जो भौतिकी के होंगे ना उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये कितना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी क्या है खोज है ठीक है ना ओके okay. उसी तरह से जैसे मैंने आपसे क्या किया अगर बात किया जाए कि जैसे सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के भी क्या अपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो है रख रखाव होते हैं तो उसी तरह से हम क्या देख रहे हैं कि भौतिकी के संदर्भ में अगर कहा जाए तो ये भौतिकी का हाँ तो ये भौतिकी का पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं और यहां पर आपको क्या है ऑटो तो सेकेंड्स यहां देखिएगा द लॉरिया पायोनियरिंग वर्क हैज इनेबल द क्रिएशन ऑफ ऑटो ऑटोसेकेंड पलसेस विच इंटर्न प्रोवाइड अस विद द कैपेबिलिटी टू विजुअलाइज एंड एग्जामिन द इंटेग्रेट प्रोसेस अकरिंग इन साइड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अभी आपसे मैंने क्या कहा कि अभी कुछ घटनाएं जो है वो हम नहीं देख पाते हैं ह्यूमन्स के लिए देख पाना दैट इज नॉट पॉसिबल तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो पुरस्कार जिनको मिला है तो इनके अग्रणी कार्यों में अगर कहा जाए दैट ऑटो सेकेंड पल्स के निर्माण को सक्षम कर दिया है इट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भौतिकी का जो नोबल पुरस्कार मिला है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑटो सेकेंड पल्स के आ, को बनाने में उसके क्रिएशन में एक तरह से कैपेबल बना दिया है और इसके बदले में हमें परमाणुओं के अंदर होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को देखने और जांचने की क्षमता प्रदान करता है सो so बेसिकली ये आप जो देख रहे हैं इनका जो रिसर्च है ये बड़ा ही रेवोल्यूशनरी रिसर्च है कि ये हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहां पर इनके संदर्भ में अगर कहा जाए तो ऑटो सेकेंड पल्स के निर्माण को इन्होंने क्या किया है यहां पर सक्षम किया है ओके okay? और बदले में हमें परमाणुओं और अणुओं के अंदर होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को देखने में भी कैपेबल बना दिया इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये क्लियर है आप सबको यहाँ पे हाँ जी यहाँ तक बता दीजिएगा प्लीज ये क्लियर है या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू भाई देखिए जैसा आप देखते हैं ना आप अगर आपसे अगर कहा जाए कि आप देख रहे हैं कि चंद्रयान तीन का सक्सेसफुल क्या हुआ प्रक्षेपण हुआ दुनिया में नासा जो है वो भी क्या कर रही है अलग लेवल पे काम कर रही है साइंटिफिकली तो ये जितने काम आप देख रहे हैं ना विदाउट फिजिक्स ये पॉसिबल नहीं है ठीक है ना विदाउट फिजिक्स या कह लिया जाए कि बिना भौतिकी के या भौतिकी के समझ के बिना ये possible. This is, ये पॉसिबल दिस इज हो ही नहीं सकता है ठीक है ना तो अगर आपको ये लगता है कि फिजिक्स की प्रासंगिकता क्या है तो भैया ऐसा है ना कि पृथ्वी यानी अगर बात किया जाए कि हम कहाँ हैं और पृथ्वी और सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है ये सारी चीजें जो है ना दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स ये सब कुछ क्या है यहाँ पे फिजिक्स ही है ठीक है हाँ अब जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात की जाती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बात किया जाए है ना ममता तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहा जाता है कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है लेकिन कहीं ना कहीं सोशली भी कुछ गुरुत्वाकर्षण के नियम होते हैं जिसके कारण आप मेरी क्लास में हैं दिस इज आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आपको लगता है कि चलो मैम की क्लास में चला जाए मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स की क्लास की जाए है <laughs> ना तो गुरुत्वाकर्षण ये भी क्या है ये भी एक तरह से क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स ही है लेकिन ये ह्यूमन्स के अंदर में ये देखिए भौतिकी मतलब ये हो गया यहाँ पर हाँ भौतिकी का मतलब ये हो गया ये पूरा का पूरा जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं ये सब कुछ क्या दिख रहा है ये जितनी चीजें ये एवरीथिंग इज दैट इज फिजिक्स है ना बट इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कुछ चीजें ऐसे ही है चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे हाँ जी तो जिस तरह का प्रकार अलग अलग स्थिर फ्रेमों से बनी एक फिल्म को तेजी से चलाने पर निरंतर गति के रूप में माना जाता है ये ऑटो सेकेंड पल्स वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्म जगत में तीव्र परस्पर जुड़ी घटनाओं को साथ जोड़ने की अनुमति देता है ठीक है ना तो इसके बारे में आप देख सकते हैं सो वॉट एग्जैक्टली कि मच लाइक फिल्म कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल स्टिल फ्रेम्स इज प्रिसव्ड एज अ कंटिन्यूअस मोशन व्हेन प्लेड रैपिडली दिस ऑटो सेकेंड पल्स इज अलाउ साइंटिस्ट टू पीस टूगेदर द रैपिड इंटरकनेक्टेड इवेंट्स इन द माइक्रोजोम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके चलिए अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे तो यही हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनसे जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात जो सामने आने वाली है वो ये है कि बहुत ही बहुत सारे ऐसे जो शोध हैं जो अब तक हम नहीं कर पा रहे थे जहाँ पर हम कैपेबल नहीं थे उस जो है उस क्षमता को इसने क्या किया है बढ़ाया है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट तो आपने देखा फिजिक्स के बारे में नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज़ नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 हज़ार तेईस मोंगी बावेंडी लुइस ब्रूस एलेक्सी एकमोव न अवार्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्वान्टॉट्स आइए बात करते हैं कि क्या है यहाँ पर जो अगर बात किया जाए रसायन शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है यहाँ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दो हजार तेईस मोंगी बावंडी लुइस ब्रूस एंड एलेक्सी एकमोव विन अवार्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम क्वान्टॉट्स नोबेल प्राइज यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नोबेल प्राइज विन मोंगी और दूसरे कौन है यहाँ पे लुइस हैं एंड एलेक्सी एकिमोव मोव है तो आप देख सकते हैं कि ये भौतिकी के लिए पे सॉरी रसायन शास्त्र के लिए इन्हें क्या मिला है जो है नोबल पुरस्कार इन्हें मिला है याद कर लीजिएगा क्योंकि देखिए मैं आपसे एक बार और बता दे रही आपको पढ़ा रही हूं इसमें मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर कि दैट फिजिक्स में किसको मिला है यहां पर नोबल प्राइज और उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि आप देख रहे हैं कि नाउ केमेस्ट्री में किसको यहां पर नोबेल प्राइज मिला है तो आइए देखते हैं रसायन शास्त्र में क्या स्थिति रही है यस yes, अब देखेंगे यहाँ पे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो मॉन्गजी बॉवेंडी लुइस इूस एंड एलेक्सी आई एक्मोव को क्वांटम डॉट्स के खोज और संश्लेषण के लिए प्राप्त मिला है देखिए एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा क्या करना है हो सकता है कि आपके प्रिलिम्स की परीक्षा में आप उसको इसी वे में क्या करेंगे लेंगे प्रिलिम्स की परीक्षा में मे भी जो क्वांटम डॉट्स आप सुन रहे हैं है ना आप सुन रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या है भाई क्वांटम डॉट्स इसके लिए क्या मिला है इन्हें नोबल प्राइज तो माइट पॉसिबल कि आपके यहाँ से कुछ प्रश्न बनने की संभावना बन जाएगी सो बेसिकली द नोबेल प्राइज ऑफ 2023 इन केमिस्ट्री हैज बीन अवार्डेड टू मोंगी जी बॉवेंडी लुईसी ब्रूस एंड एलेक्सी अलेक्सी फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स आइए देखते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान में इनको यहाँ पे जो है क्वांटम uh, जिसको हम लोग कह रहे हैं गुण क्वांटम घटना से निर्धारित होते हैं कर्ण जिन्हें क्वांटम डॉट्स कहा जाता है अब नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत महत्व तो रखते हैं देखिए एक टेक्नोलॉजी है अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगी यहाँ पे सबसे पहले क्या नैनो टेक्नोलॉजी के यहाँ पर देखा जाए जैसे देखिए नैनो टेक्नोलॉजी जब ये टेक्नोलॉजी आया था ना तो उस टाइम पर बड़ा ही आज से दो हज़ार की बात मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी सो वॉट इज नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब का निर्माण किया जा रहा है या फिर हम अपनी जो नए आविष्कार किए जा रहे हैं नैनो का मतलब ही होता है अब छोटा बहुत छोटा ठीक है तो आप देखेंगे कि जब नैनोटेक स्टार्टिंग में जब आया था तो इट वॉज लाइक रेवोल्यूशनरी फेज रहा तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर यहां पर अगर बात किया जाए वन सेकेंड यहां देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे छोटे घटक अब टेलीविजन और एलईडी लैंप से अपनी रोशनी फैलाते हैं और कई अन्य चीजों के अलावा ट्यूमर उत्तक को हटाते समय सर्जनों का मार्गदर्शन भी करते हैं सो बेसिकली वट इज द यूजेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी तो नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन के फील्ड में यूज होता है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे रोजमर्रा की तकनीक का जो प्रयोग है जैसे एल ई डी टी वी हो गया ठीक है ना टेलीविजन एल ईडी लैम्प्स इसमें इसका क्या होता है यूज किया जाता है तो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी नाउ एमिट देयर लाइट फ्रॉम टेलीविजन एल ईडी लैम्प एंड इट ऑल्सो गाइड द सर्जन वेन रिमूविंग रिमूविंग ट्यूमर्स तो ये देख सकते हैं कि इसका यूज किया जाता है अब देखते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साइज़ के आधार पर उनके अलग अलग रंग होते हैं यानी कि आ, अगर बोला जाए कि इंपॉर्टेंटली देव डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन देअर साइज क्वान्टम डॉट्स नाउ इलुमिनेट कम कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स बेस्ड ऑन क्यू लेड टेक्नोलॉजी दे ऑल्सो एड न्यूंस टू द लाइट ऑफ सम्स एंड बायो केमिस्ट एंड डॉक्टर्स यूज देम टू मैप बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के बारे में टेलीविजन स्क्रीन तो को रोशन करते हैं वे कुछ एलईडी लैंप की रोशनी में बारीकियों भी जोड़ते हैं और बायोकेमिस्ट और डॉक्टर्स उनका उपयोग जैविक उत्तकों यानी टिश्यूज को मैप करने के लिए करते हैं तो इसके बारे में अगर कहा जाए सो वट इज द यूजेज ऑफ क्वांटम डॉट्स तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सूक्ष्म सूक्षतम तरीके से जहाँ पर क्वांटम डॉट्स का मीनिंग ही हो गया कि बहुत ही क्या है नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अगर कहा जाए तो उसी तरीके का क्या है ये उस पर क्या करता है क्वांटम डॉट्स जो है इस टेक्निक पर बेस्ट होके जो कंप्यूटर का हमारे मॉनिटर्स होते हैं स्क्रीन होते हैं उसको ये हेल्प करता है और साथ के साथ जो भी डॉक्टर्स हैं सर्जन हैं उनके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये टिश्यूज के बारे में जानने में हेल्प करता है सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड क्वांटम डॉट्स जिसके बारे में आप देख रहे हैं देखिए हो सकता है यहाँ समझिएगा आपने अभी तक देखा दो पुरस्कार ठीक है ना अभी राइट नाउ आपने देखा कि फिजिक्स में क्या मिला है ओके एंड द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर आपने देखा केमिस्ट्री में क्या मिला है ठीक है ना हाँ केमिस्ट्री में कौन से अवार्ड मिले हैं तो इन दोनों के संदर्भ में अगर कहा जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से एक बड़े बदलाव के क्या है द्योतक है है ना बड़े बदलाव के क्या है द्योतक है यानी जो चीज़ें पहले हम नहीं सक्षम थे हम कैपेबल नहीं थे बट नाउ वी आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स जैसे कि अगर बोला जाए लेड हो गया रोशनी लैम्प हो गया ठीक है ना इन सब में अब क्या देख रहे हैं कि क्वांटम डॉट्स के थ्रू हमारे पास और भी चीज़ें अब पहले से बेहतर हुई हैं उसी तरह से फिजिक्स में अगर बोला जाए तो ऑटो ऑटोपल्स में हम क्या देख रहे हैं कि वहां पर भी हमें काफ़ी हेल्प मिला है मेडिसिनस के कंटेक्स में अगर बात किया जाए तो हम क्या देख रहे हैं एमआरएनए से काफ़ी क्या हुआ कोवैक्सीन वहां पर या कोविड का वैक्सीन बनाने में मदद मिला सो so बेसिकली आपने क्या देखा यहाँ पर कि जो भी इनके रिसर्चेस हैं अभी आप अब तक आपने देखा इन सब के यहाँ पर मिल चुकी है यहाँ पे अवार्ड मिल चुका है तो ये जितने भी रिसर्च हैं वो हम ह्यूमंस की लाइफ में बड़े लेवल पर बदलाव लाने में क्या हुए हैं सहायक हुए हैं इज इट क्लियर या इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जल्दी बता दीजिए यहां तक या yeah, यहां तक क्लियर है आप सबको यहां पे। तो नोबल पुरस्कार इसी संदर्भ में दिया जाता है कि आपने कौन सा यानी कि जो अगर कहा जाए कि ये जो रिसर्चेस है या फिर ये जो शोध है ये हम ह्यूमंस की लाइफ को कैसे प्रभावित कर रहा है देखिए हो सकता है कि आपको समझ में ना आए क्योंकि आपको लगता है कि फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है आपको लगता है मेडिसिन का क्या इंपॉर्टेंस है बट आपको नहीं पता है कि मेडिकल साइंसेस कितना आगे जा रहा है आपको नहीं पता है कि हम लोग जो अब आज चीज़ें आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा कंपैटिबल होती जा रही हैं हम हर चीज़ जो है अब हमारे लिए इजी होता जा रहा है तो इसका क्या रीज़न है सिंपल और साधारण सी बात इसका रीजन क्या है यानी इस तरह के कुछ डिस्कवरीज हो रहे हैं जिसके कारण अब आप देखते हैं कि पहले था कि फ्लैट टीवी फ्लैट टीवी के बाद अब ऐसा ऐसा टीवी आने लग गया एकदम बिल्कुल कैसा भाई कि रजिस्टर जैसा पतला दुबला सा टीवी तो आखिर ये जो फ्लैट से फ्लैटरॉन तक हम पहुंच गए तो ये पूरी एंटायर जर्नी जो है यहाँ पर ये कैसे आगे जाएगा ठीक है ना तो ये एक तरह से रिसर्चेस के बारे में अगर कहा जाए तो क्वांटम डॉट्स के संदर्भ में भी आप समझेंगे क्या कि बहुत सारे जो नए अध्ययन जो है इसके वजह से सामने आ पाए हैं क्यूलेड में इसने काफी क्या किया है सहायता किया है क्वांटम डॉट्स के बारे में कहा जाए ठीक है ना चलिए अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय कोरल रीफ इंटरनेशनल कोरल रीफ एक बार ये देख लीजिएगा यहाँ पे कोरल बोला किसको जाता है वाई दिस इज इंपॉर्टेंट <laughs> मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो आप सोच रहे हैं ना क्वांटम डॉट्स क्या है ऑटो लैम्प्स क्या है जो आपने अभी तक पढ़ा ठीक है ना मेडिसिन में एम क्या है तो ये जितनी चीजें हम देख रहे हैं कि ये इस विशेष संदर्भ में चूंकि क्या कहा जा रहा है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ठीक है ना केमिस्ट्री का नॉबल पुरस्कार और उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं यहां पर रसायन शास्त्र का जो है आपको नोबेल पुरस्कार इट मींस कि ये इस फील्ड से क्या है रिलेटेड है जिसकी वजह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये पुरस्कार या ये अवार्ड मिल रहा है ठीक है ना तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोरल रीफ आइए देखते हैं कंट्रीज प्लीज टू रेज डॉलर बारह बिलियन टू फंड कोरल रीफ प्रोटेक्शन अब देखेंगे यहाँ पे कि ये न्यूज में क्यों रहा देखेंगे यहाँ पे एन अलायंस ऑफ नेशन नेशंस कॉल्ड इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव हैज प्लीज टू रेज बिलियन प्रोटेक्ट कोरल रीफ फ्रॉम दाइक पोलूशन एंड ओवर फिनिशिंग देखेंगे यहाँ पे कि कोरल रीफ को लेकर के जो बातें यहाँ पर चल रही है सो वॉट इज दैट क्या है ये सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे जो न्यूज में रहा जो चर्चा में रहा है देखिये रिसेंटली द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जिसको हम लोग आईसीआर आई सेट इट वुड सिक्योर पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू हेल्प कंजर्व एंड रीस्टोर कोरल इको सिस्टम यानी इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने हाल ही में ये कहा है कि कोरल पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुरस्थापन में मदद के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को सुरक्षित करेगा मतलब ये हुआ कि कोरल रीफ जो आप सुनते हैं जो आपने सुना होगा या आपको जो मालूम होगा बेसिकली सामुद्रिक पारितंत्र से जुड़ा हुआ ये मामला है कोरल रीफ कहते कि इसको है तो यहाँ एक बार देखिएगा जैसे देखिए समझिए जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका समुद्र है सपोज दैट दैट इज सी ओके okay, अब यहाँ पर समुद्र में हम क्या देखते हैं जैसे मान लीजिए ये इस वाला ये वाला रीजन है यहाँ पर बड़ी संख्या में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोरल बन गया है ओके okay? तो ये जो कोरल रीफ जिसको हम लोग प्रवाल भित्ती भी इसको कहते हैं यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा जो ये जो सी का जो इकोसिस्टम है समुद्र का जो पूरा का पूरा पारितंत्र है ये इसको क्या करता है प्रोटेक्ट करता है ओके okay? हाँ इसको क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है अब यहाँ पर देखेंगे क्या इसीलिए इसको इसको बचाने की यानी कि अगर जैसे हम लोग बोलते हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज इशू अगर क्लाइमेट चेंज इशू के बारे में या जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोग बात करते हैं इनकी अगर स्थिति में परिवर्तन आ रहा है या इनके कंडीशन में चेंजेस हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं सो वॉट इट मीन्स तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है कि सामुद्रिक पारितंत्र जो है वो खतरे में है तो ये इंडिकेशन भी हो जाता है कोरल रीफ के बारे में अगर बात किया जाए तो कि कहीं ना कहीं से अगर कोरल बैरियर या कोरल रीफ अगर समाप्त हो रहे होते हैं इट कि या समुद्री पारितंत्र खतरे में है जिसको बचाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी इकोसिस्टम जो पूरा का पूरा जो समुद्र का जो पारितंत्र है उसको ये प्रोटेक्ट करता है या उसको ठीक रखता है या मेंटेन करता है क्लियर है यहां तक चलिए तो अब देखते हैं क्या कि हाल ही में यानी कि जो इंटरनेशनल कोरल रीफ से रिलेटेड जो संस्था है है ने कहा कि कि हम लोग क्या करेंगे इट वुड सिक्योर पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू तो हेल्प कंजर्व एंड कोरल सिस्टम यानी हम फिर से उसको पुनर्जीवित करेंगे या या फिर हम इसे क्या करेंगे बचाएंगे ये एक तरह से क्या है यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की बात की जा रही है अब आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जो है क्या है देखेंगे यहाँ पे इट वॉज लॉन्च इन नाइनटीन नाइनटी में लॉन्च किया गया था बाई ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जापान जमैका फिलीपींस स्वीडन ब्रिटेन एंड द यूएस एस मेंबर्स नाउ इंक्लूड 45 कंट्रीज दैट रिप्रेजेंट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आप सोच सकते हैं यहां पे कि अगर बोला जाए तो दुनिया की तीन चौथाई जो जो कंट्रीज है वो इसका प्रतिनिधित्व करती है अप्रॉक्सीमेटली पैंतालीस देश इसमें क्या है इंक्लूडेड है उन्नीस में ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जापान जमैका फिलीपींस और स्वीडन ब्रिटेन और यूएसए के द्वारा मिलकर के इसे क्या, so क्या, क्या, क्या करना है बचाना है भारत भी इस पहल का सदस्य देश है इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ दिस इनिशिएटिव यह राष्ट्रों और संगठनों के बीच एक वैश्विक साझेदारी है जो दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों और उससे संबंधित जो है पारिस्थितिकी प्रणाली को बचाने पे काम करता है अभी मैंने आपसे क्या कहा कि भाई अगर ये कहा जाए तो क्या कहीं पर भी समुद्र की सीमाएं हैं क्या एक सिंपल सी बात मुझे आप सब लोग बताइए अब आप सोच लेंगे कि इतनी सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं हाँ जी अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या समुद्र की कहीं कोई सीमाएं हैं सारे समुद्र तो कहीं ना कहीं जा कर के मिल रहे होते हैं अगर ये कहा जाए जैसे महासागर सपोज दैट अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अगर मैं बात करूं समुद्र के बारे में ठीक है ना जैसे मान लीजिए अब जैसे आप क्या देखते हैं जैसे भारत में ही अगर आप देखेंगे यहां देखिए है ना अगर हम देखेंगे इस तरफ गुजरात में हम देखते हैं कि जो भी नदियां हैं वो कहां गिरती हैं अरब की खाड़ी में ठीक है ना या फिर बंगाल की खाड़ी में तो मोस्ट ऑफ नदियां यहां जाकर के क्या हो जा रही है मिल जा रही हैं और ये नदियां जो हैं यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि समुद्र ये फिर उसके यहाँ क्या करते हैं महासागर जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियन बोलते हैं उसमें मिल जाते हैं तो एक तरह से देखिए तो पूरी दुनिया एक दूसरे से क्या है यानी एंटायर वर्ल्ड जो है दैट इज़ कनेक्टेड विथ ईच अदर वो कहीं ना कहीं से क्योंकि भाई दुनिया में हम लोग क्या देख रहे से ज़्यादा तो क्या पानी ही पानी है और ये पूरा का पूरा पारितंत्र जो है वो एक दूसरे से क्या है यहाँ पर कनेक्टेड है तो इसीलिए ये जो इनिशिएटिव आप देख रहे हैं ना कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 45 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस इनिशिएटिव क्योंकि लगभग लगभग सबका क्या है एक दूसरे से कनेक्शन है और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या आप प्रशांत महासागर की सीमाओं का निर्धारण कर पाएंगे ये बताइए क्या आप इंडियन ओशियन हिंद महासागर की सीमाओं का निर्धारण कर पाएंगे नहीं ना अब जैसे साउथ चाइना सी के बारे में आप लोग सुनते हैं लगातार विवादों में रहता है दक्षिण चीन सागर तो भाई ऐसा है कि उसपे वो कहीं ना कहीं सभी से क्या है जुड़ा हुआ है सभी देश उससे क्या है लगभग लगभग कनेक्टेड है क्लियर है ये आप सबको यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ की प्रवाल भित्तियों को या यहाँ के कोरल्स को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे जो इनिशिएटिव लिया जाता है जिसकी जिसके बारे में अगर कहा जाए जा, 1994 में हम क्या देख रहे हैं कि इसकी स्थापना हुई और इसके बाद से भारत भी इसका क्या है सदस्य देश है तो कोशिश ये की जाती है कि सामुद्रिक पारितंत्र को बचाने के लिए ज़रूरी है कि सभी देश आगे आए और आपस में प्राइवेट लेवल पे या उसको एक तरह से ज्वाइंटली क्या किया जाए कि इसमें फंडिंग भी किया जाए ताकि हम लोग कोरल रिव्स को बचा सके इज इट क्लियर हाँ जी यहां तक क्लियर है आप सबको यहां पे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और डियर ऑल स्टूडेंट अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जितने लोग भी क्लास में आ चुके हैं प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हाँ जी चैनल में जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन है स्वागत रहेगा यहाँ पे तो आप सब लोग प्लीज़ जो है क्लास चैनल को हमारे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई एस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ओके तो इसीलिए देखिए मैंने आपसे क्या क्या कि ये जो बचाने की मुहिम है ना आज पूरा देश पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या सोच रही है कि हम लोग पर्यावरण को बचाए टू प्रोटेक्ट आवर क्लाइमेट बिकॉज क्लाइमेट पे किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है पर्यावरण हम सब के लिए बराबर है पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी तो सब जगह अब जैसे अभी आप देखेंगे आपने सुना कि बिहार झारखंड में लगातार बारिश हो रही है काफी लोग लोगों का जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है तो ये कहीं ना कहीं से क्या दिखाता है ये बदलते हुए जलवायु परिवर्तन को डिनोट करता है क्या इस समय इतनी बारिश होने का समय है यहाँ पे तो अगर उल्टे टाइम पे ऑल्टर चीजें होने लग जाए ना इट मीन्स की दैट वी आर अफेक्टेड फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज हम कहीं ना कहीं से जलवायु परिवर्तन के शिकार हो चुके हैं हम ही ने बिहार है ना तो आइए देखते हैं अच्छा एक चीज और है 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 इसके 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 बारे में देख लीजिएगा कि किसी भी सदस्य सदस्य यानी यानी जो है, member, जो देश उनके ऊपर बाध्यकारी नहीं रेगुलरली एक्नोलेज इन यूनाइटेड नेशन डॉक्यूमेंट्स हाईलाइटिंग द इनिशियटिव इंपोर्टेंट एंड एडवोकेसी रोल विद इन द इंटरनेशनल एरेना इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसके जो भी कार्य है संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में आईसीआईआर सी का काम को नियमित रूप से स्वीकार किया जाता है इस क्षेत्र में यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहल के महत्वपूर्ण सहयोग इनकी वकालत और इनसे संदर्भित क्या कार्य हुए हैं इसको ये उजागर करता है तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि आईसीआरआई के संदर्भ में अगर कहा जाए तो ये क्या है एक बड़े लेवल पे क्या है यहाँ पर कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये क्या है इट्स हाईली रिकॉग्नाइज्ड और सर्वविदित है इसको मान्यता प्राप्त है हाँ देखिए सलाह दो तरीके का होता है ध्यान से सुन लीजिएगा जैसे अगर कहा जाए तो सलाह एक होता है बाध्यकारी यानी मैंने ये आदेश दिया देन यू हैव टू तो डू आपको करना है चाहे कैसे भी करिए एक होता है आपको सलाह जो है वो क्या है आपको यानी एडवाइस जो दिया जाए दैट इज़ वो आपको क्या है सलाहकारी नेचर का है बाध्यकारी नहीं यानी ये मैंडेटरी नहीं हमने ये एक प्रोपोजल लेकर के आए हैं अप टू यू कि आपको मानना है कि नहीं मानना है समझ में आ गई बात तो ये हम देख सकते हैं इसके संदर्भ में आइए मूंगा जिसके बारे में बात हो रहा है कि कोरल्स होते क्या है आपके दिमाग में चल रहा होगा देख लीजिए यही कहलाता है कोरल्स ठीक है ना यही क्या कहलाता है कोरल्स बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि मूंगे की अंगूठी पहनते हैं है ना जैसे ग्रह नक्षत्र अगर खराब हुआ या कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं तो आप जब जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास तो इन सम टाइम ही और शी आपको वो बोलते हैं कि ऐसा है कि आप मूंगा धारण करें सुना होगा आप सबने तो लोग मूंगा को धारण करते हैं कोरल्स जिसके बारे में अगर बात किया जाए यहाँ पे तो मूंगा पहनते हैं क्यों क्योंकि उससे क्या होगा चीज़ें जो है वो तो थोड़ी सी बेहतर होंगी जी तो मूंगे के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ मूंगा मूंगा है क्या है ना हाँ जी तो कलरफुल और ब्यूटीफुल लोग कह रहे हैं बहुत सुंदर होता है इसमें कोई डाउट नहीं है आइए यहाँ पर देखते हैं यस तो देखिएगा कोरल्स आर मरीन इंटर जो है ये इनवर्टिब्रेड्स और एनिमल्स विच डू नॉट पोजेसिस स्पाइन यानी इसके बारे में अगर कहा जाए ना तो ये मरीन से रिलेटेड क्या है आपको एक ऐसा जीव है जिसकी रीढ़ नहीं होती है स्पाइन नहीं होता दे आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट each coral is called a polyp and thousand of such polyps live together to form a colony which grows when polyp multiply to make copies of themselves यानी इसके बारे में कहा जाए कि प्रत्येक मूंगे को पॉलिप कहा जाता है और ऐसे हजारों पॉलिप्स एक कॉलोनी बनाने के लिए एक साथ रहते हैं तब तक बढ़ते हैं जब तक पॉलिप्स अपनी प्रतियां बनाने के लिए गुना करते हैं ये है आपको मूंगा के संदर्भ में अगर कहा जाए जी यहां देखिएगा मुंगे जो है मुंगे किसको हम लोग क्या कह रहे हैं तो मुंगा इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिप्स इसको पॉलिप्स भी कहा जाता है ठीक है दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड जोक्थिलीन ठीक है ना विथ कोरल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सिर्फ मुंगे को उनकी ऊर्जा जैसे जो है सूर्य के प्रकाश को भोजन में परिवर्तित करता है जिससे मुंगो को उनकी ऊर्जा जरूरत का नब्बे प्रतिशत तक पूरा हो जाता है ठीक है जी तो ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे दिस इज ऑल अबाउट द मूंगा कि मूंगा क्या है और मूंगा कैसे बनता है इसमें इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो भी जो जलीय जीव होते हैं कई बार जो इनके स्किल्स होते हैं जो इनकी हड्डियां मतलब होते हैं तो वो भी क्या होते हैं जैसे जैसे जमा होते जाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं कोरल रीफ बरियर बनते जाते हैं तो कोरल रीफ्स के बारे में कहा जाए कोरल रीफ बरियर के बारे में बात किया जाए तो ये हम लोग सामुद्री जो जीव जंतु जो देख रहे हैं हम लोग उसी के संदर्भ में से जुड़ा हुआ है और ये सामुद्री इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या इज इट क्लियर मैम मूंगा हमें हमारे यहाँ डेथ बॉडी के साथ रखा जाता है। अच्छा मुझे नहीं मालूम था ये कई लोग मूंगा धारण करते हैं पहनते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ जिसको आप ये कह सकते हैं कि कुछ ग्रह नक्षत्र के संदर्भ में अगर कहा जाए हाँ यहाँ तक क्लियर है आप सभी को यहाँ पे तो मुंगा के बारे में जो अभी आपने देखा कि इंटरनेशनल कोरल रीफ जो है संस्था वो क्या इस पर काम कर रही है और उस उसपे आशा है कि इस पर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है खर्च करने की बात हो रही है ताकि नए नए शोध हो सके कि दैट हाउ टू प्रोटेक्ट दैम इनको कैसे बचाया जाए इसके संदर्भ में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे यस गुड मॉर्निंग थोड़ा सा जल्दी आ जाए कीजिए yes, विहान यस विहान So, uh, थोड़ा सा ऑन टाइम रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम पे रहा कीजिए ओके okay, चलिए जी और क्लास को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए हाँ जी क्लास को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा आइए देखते हैं बाशोली पश्मीना पश्मीना तो सुना होगा आप सबने हाँ जी पशमीना तो आप सबने सुना होगा है ना पश्मीना जो है बड़े बड़ा फेमस होता है यहाँ पे तो आइए देखते हैं कि क्या है जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर फेम्ड पशमीना गेट्स जोग्राफिकल रिकॉग्नाइजेशन विथ जीआई टैग आइए बात करते हैं क्योंकि इस बीच में आपने क्या देखा है जीआई टैग जोग्राफिकल इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भौगोलिक संकेतक ठीक है अब इस भौगोलिक संकेतक के बारे में अगर कहा जाए सो वॉट वी कैन सी बाशोली पश्मीना अ हैंड स्पन प्रोडक्ट नोन फॉर इज एक्सट्रीम सॉफ्टनेस फाइननेस एंड लाइट वेट हैज जो इंस्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंडेड लाइफ तो अब यहां पर देखेंगे इसके बारे में कि बहुत ही क्या होता है लाइट वेट होता है हाथ से बनाया जाता है पश्मीना की पहचान यही होती है कि वो जितना हल्का होगा जितना लाइट वेट होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेहतर होगा ठीक है ना <laughs> शाजिया मैम की लाडली मैं आपका मॉर्निंग एक्सेप्ट नहीं हूँ नहीं भाई आप सबका मॉर्निंग एक्सेप्ट है और यू ऑल आर वेलकम इन दिस क्लास आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चलिए जी तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग बात करेंगे पशमीना के बारे में कि पशमीना स्पेशली कहाँ है बाशोली पश्मीना ये ध्यान रखिएगा कि पशमीना में कहां से किसको मिला है यहां पर तो यहां जाइएगा जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प बाशोली पशमीना को जीआई टैग दे दिया गया सो रिसेंटली व्हाट वी कैन सी दैट बाशोली पशमीना मोर देन हंड्रेड ईयर ओल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम जे जिसमें कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट से है इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा चुका जीआई टैग से देखिए बेनिफिट बहुत कुछ होते हैं अब बात करते हैं कि ये जो बाशोली पशमीना जो हम लोग देख रहे हैं इसका महत्व तो क्या है अबाउट बाशोली पशमीना हाथ से काटा गया उत्पाद है जो अत्यधिक कोमलता सुंदरता और हल्के वजन के लिए जाना जाता है पशमीना उत्पादों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शॉल मफलर कंबल टोकरी शामिल है हालांकि आपको मैं बता दूं चूंकि ये हाथ से बनाए जाते हैं दैट्स वाई इसका जो प्राइस होता है ना प्राइस भी इसके ठीक ठाक होते हैं क्योंकि वह बहुत मेहनत से बनाया जाता है तो कभी मौका मिले तो ज़रूर पश्मीना का जो है क्या पशमीना क्यों इतना फेमस है वाइट पश्मीना तो पश्मीना प्रोडक्ट नोन फॉर इस एक्सट्रीम सॉफ्टनेस फाइननेस लाइट वेट और उसके साथ साथ क्या देख रहे हैं कि दिस इज मेड फॉर मैन एंड वुमेन ऑल्सो जैसे महिलाओं के संदर्भ में कहा जाए तो महिलाओं के जो आप देखेंगे क्या कि जो उनके ऊनी वस्त्र कह लीजिए या जो भी कह सकते हैं और पुरुषों के लिए मफलर वगैरह ये भी बनता है यहाँ पर तो पश्मीना बाशोली पश्मीना और कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का वहीं पे इसका निर्माण होता है पश्मीना को उन तिब्बत के चांगथांग पठार और लद्दाख के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली पहाड़ी बकरियों जिसको कैपरा हिरकस की एक नस्ल से प्राप्त की जाती है ठीक है ना लद्दाख क्षेत्र में पशमीना ऊन के पारंपरिक उत्पादन लोग चांगपा ठीक है ना में के नाम से जाने जाते हैं सो बेसिकली अगर बोला जाए कि हाउ वी वे गेट पशमीना तो पश्मीना वुल इज ऑप्टेंड फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ माउंटेन गोड्स जिसको कि फाउंड ऑन द चांगथांग प्लेटू इन द तिब्बत पार्ट्स ऑफ द लद्दाख तो ये बहुत इजी नहीं है इसके बारे में अगर कहा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं एक बकरी है और इस बकरी के बारे में अगर कहा जाए पहाड़ी बकरी है जिसको कि कैपरा हिरकस इसका नाम है इसके इसके संदर्भ में देखा जाए तो तो इसके नस्ल से ही पश्मीना मिलता है और मेनली ये तिब्बत के चांगथांग पठार और लद्दाख के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है सो बेसिकली दिस इज रेयर इन द रेयरस्ट अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़ी संख्या में पश्मीना मिलेगा नो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये यहाँ तक इसको जा करके लेकर के आना इट्स वेरी टफ ये काफी क्या है टफ है तो पश्मीना जो जहां से पश्मीना जो मिल पा रहा है जहां से ऊन के बारे में अगर कहा जाए जिस बकरी से हम लोग को प्राप्त होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ठीक है ना तो चांगपाट पठार के बारे में हम लोग देख रहे थे जीआई के बारे में एक बार समझ लीजिएगा यहाँ पे जैसे मेनली होता क्या है? कि अगर किसी भी वस्तु को जीआई टैग दिया गया है तो इसका क्या मीनिंग होता है जीआई टैग के फायदे क्या होते हैं आइए इसके बारे में अगर बात करते हैं देखिए मीनिंग क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ जी आई टैग जी आई टैग अगर किसी को दे दिया गया तो इट इज वैलिड फॉर ये कितने साल के लिए वैलिड होगा तो इसकी वैलिडिटी रहेगी टेन ईयर्स तक ओके अब इसके बारे में अगर कहा जाए तो जी आई टैग मिलने के बेनिफिट क्या है सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वट इज द बेनिफिट देखिए बेनिफिट के बारे में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं से ये जो प्रोडक्ट है जो जिसको कि दिया गया है जी आई टैक तो ये प्रोडक्ट अचानक से क्या होगा आपका लाइमलाइट में आ जाएगा अब लाइमलाइट में आ जाएगा तो लोगों के अंदर क्यूरिसिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से क्या होगा इसका प्रोडक्शन ठीक ठाक होना शुरू हो जाएगा या फिर एक तरह से कह लीजिए कि इकोनॉमी को ये मजबूत करेगा क्योंकि लोग इसके प्रति क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे अब जैसे आपसे अगर ये कहा जाए जैसे आपको पता बंगाल का रसगुल्ला ठीक है उड़ीसा का रसगुल्ला तो बंगाली रसगुल्ले बहुत फेमस है जो भी बंगाल जाता है तो वो सोचता है कि बंगाल में हम रसगुल्ला जरूर खाएं है ना क्यों क्योंकि उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है ठीक है जी बनारस का पान आगरा का पेठा ये सब क्या है तो इन सब को जीआई टैग मिल चुका है तो जीआई टैग मिलने से क्या होता है कि एक तरह से टूरिज्म के संदर्भ में अगर कहा जाए या लोगों के द्वारा इसके प्रति जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता है कि हां भाई ये चीज जो है यहां का बहुत फेमस है जैसे बिहार का शाही लीची दैट इज वेरी फेमस है ना कतरनी चावल ठीक है ना उसके अलावा अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ये इसकी वजह से ही क्या होता है कि लोगों को लगता है कि चलो ये लिया जाए अब जैसे मध्य प्रदेश का कड़कनाथ का मुर्गा बड़ा फेमस हुआ ब्लैक कलर का होता है और वो हार्ट वगैरह की डिजीज़ को कम करता है तो जैसे ही जीआई टैग मिला उसके तो वैसे ही क्या हो गया कड़कनाथ का मुर्दा मुर्गा जो है वो क्या हो गया फेमस हो गया ब्लैक कलर का होता है और रेयर है और उसके बेनिफिट्स हैं तो उसी तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे जैसे अगर बात किया जाए हाँ अगर बात किया जाए जैसे जी आई टैग दिया गया हो नहीं दिया गया हो लेकिन ये कहीं ना कहीं से उस जगह की चीजों को जैसे अब आपको मैं बताऊं

तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां की कहीं ना कहीं से स्पेशलिटी हो चुकी है या वो जो है फेमस है तो मैंने आपसे क्या कहा कि पेठा अब पेठा जरूरी नहीं कि वो आगरा का हो लेकिन आगरा के नाम पे ही क्या हो जाता है लोग उसको फेमस कर देते हैं कि अच्छा आगरे का पेठा है तो इट मीन्स कि ये बहुत अच्छा होगा है ना तो एक तरह से इसका बहुत ज्यादा क्या होता है फर्क पड़ता है समझ गए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाँ ये आप लोगों ने सुना होगा एक मूवी भी आई है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आई है जो कि ऑस्कर में पहुंची भी है फाइनल दौड़ में वहाँ पे चंपारण मटन के नाम से मूवी ही आ गई है अब तो तो वही मैं बताने का पर्पस यही है कि कुछ चीज़ें इतनी फेमस हैं अब जैसे मैंने क्या क्या कि, कि कड़कनाथ का मुर्गा है, वो मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है वो काफ़ी लोग जब ये चर्चा में आया था तो उसके बाद से लोग उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गया कि भाई ये है क्या ठीक है तो ये चीज़ आपको समझना है कि यही क्या है कि अब जैसे आपने सुना बाशोली का जो पश्मीना का जो है यहाँ पर उसको जीआई टैग दे दिया गया कल को आप जम्मू कश्मीर भी अगर जाएंगे ना तो आपके दिमाग में चलेगा कि बाशोली का पश्मीना जो है ये ले लिया जाए क्यों क्योंकि ये बड़ा फेमस है इसको जी टैग मिला हुआ है तो यही होता है क्या कि हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उस प्रोडक्शन को एक तरह से क्या हो जाता है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का मौका भी मिल जाता है चलिए ओके okay है यहां तक क्लियर है आप सभी को इज इट क्लियर कि वॉट इज ऑफ आई टैग जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे ओके okay, चलिए जी अब आते हैं यहाँ पे यस yes, अब आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज संप्रति संप्रति अभ्यास के बारे में देखेंगे यहां पर uh, संप्रति जो है यहां पर जो इलेवन इंडियन आर्मी एंड बांग्लादेश आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज ये ध्यान रखिएगा ये भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको अभ्यास के नाम से ये जाना जाता है आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में अभ्यास संप्रति का ग्यारहवा संस्करण शुरू किया है सो इंडिया एंड बांग्लादेश कमेंस द इलेवेंथ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संप्रति ऑन थर्ड ऑफ अक्टूबर दो इन उमरोई मेघालय कई बार आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि किसके किसके बीच ये अभ्यास हो रहा है तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में वार्षिक संयुक्त तो यहाँ ध्यान से देखिएगा वार्षिक इट व्हाट इट मींस कि ये जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एनुअल है एनुअल मतलब साल में एक बार ये होता है इट वाज स्टार्टेड इन जोरहाट आसाम इन 2009 द एक्सरसाइज हैज विटनेस 10 सक्सेसफुल एडिशन टिल 2022 यानी इसके बारे में अगर कहा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब तक इसका जो है ये 2009 में शुरू हुआ था आसाम के जोरहाट में और अभी तक में 10 सक्सेसफुल जो है एडिशन इसके हो चुके हैं या 10 सफल संस्करण जो है इस संप्रति एक्सरसाइज के अभ्यास किए जा चुके हैं ठीक है ना हाँ ये जो है बेसिकली इट इंक्लूड कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है इसमें फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है एंड कलमिनेटिंग एंड वैलिडेशन एक्सरसाइज इसमें जुड़ा हुआ है तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे तो बेसिकली यहां समझिएगा ये जैसे अब आप, आप आई आर पढ़ रहे हैं अब आप, आप सोचेंगे कि इसका हम कहां पर प्रयोग करेंगे तो जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर कहा जाए आई के संदर्भ में अभी हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आई है ना कि बांग्लादेश और भारत यानी कि अगर बोला जाए कि बांग्लादेश के व्यापारिक साझेदारों में भारत एक बहुत बड़ा साझेदार है आपने देखा है मैंने ये न्यूज़ करंट में बताया भी था आपको तो अब यहाँ पे बात किया जाए कि व्यापारिक साझेदारी के साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सैन्य स्तर पे भी क्या है हमारे बीच में यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त अभ्यास के तौर पर संप्रति का एक ग्यारहवा जो है सफल जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्यारहवा जो आ, सेशन है एडिशन है वो हम लोग कर चुके हैं या ये दोनों के बीच में हुआ तो ये इस सैन्य स्तर पर भी दिखाता है कि इन दोनों के बीच में दोनों देशों के बीच में आपसी जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं ठीक है ठीके? तो आपस में क्या रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा द्विपक्षीय संबंध को यहाँ पर ये यह क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो ये बहुत मैटर करता है कि किस देश के साथ आपका जो भी आर्मी या मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कि भाई उस देश के संदर्भ में कहा भाई उसके राजनीतिक सामरिक सभी संदर्भ में इसका महत्व बढ़ जाता है इज इट क्लियर ठीक है द एक्सरसाइज प्रोमिसज टू पर फर्दर इन्हांस डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फॉस्टरिंग डीपर बायोलिट्री रिलेशन कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड उसके म्यूचुअल बेनिफिट्स फ्रॉम शेयर्ड एक्सपीरियंसेज इन सब कन्वेंशनल ऑपरेशन ये बेनिफिट्स हैं ये ध्यान रखिएगा सो बेनिफिट्स है कि जब दो देशों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं तो ये संबंध कैसे आगे जाएंगे और ये संबंध कैसे और मजबूत होंगे तो इसमें सिर्फ व्यापारिक साझेदारी नहीं इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं सैन्य अभ्यास की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है चलिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू संप्रति के बारे में आप बता सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में यानी जो हमारे रिश्ते हैं इन दोनों देशों के बीच में भारत और बांग्लादेश के जो मजबूत रिश्ते का भी एक प्रतीक है इनके सैन्य अभ्यास ओके है अच्छा ऐड ज्यादा आ रहा है ना मेरे हिसाब से आप लोग को भी ऐड आ रहा है क्या मैं भी मैं भी ले रही हूं क्लास तो मुझे भी बीच बीच में ऐड दिखाई देने लग रहा है आप लोग को भी दिख रहा है क्या ऐड मुझे लगा कि मुझे ही ऐड दिखाई दे रहा भीच भीच है बीच बीच में चलिए क्लियर है ममता और क्लास में देखिए बने रहिए मैं बार बार कहती हूँ जुड़े रहिए और क्लास को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा बच्चों क्लास को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा अच्छा मतलब वही है जो मेरा हाल वो तुम्हारा हाल है हा? <laughs> चलिए अच्छा जी कोई बात नहीं ठीक है हाँ जी क्लास को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा संजीत कह रहे हैं चलिए आइए आते हैं संजीत यहां देखिएगा राणा मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है ना राला मंडल वा, रा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य के बारे में आइए देख लेते हैं यहां पे। इंदौर बटरफ्लाई सर्वे रिवेल्स टू रेयर स्पीसीज एट राला मंडल ठीक है ना अब देखेंगे कि ये क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंस रहा है द सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कोलेबरेशन विद द वाइल्ड लाइफ नेचर कंजर्वेंसी ठीक है ना तो बटरफ्लाई सर्वे टू रेयर स्पीसीज एट राला मंडल अब आइए देखते हैं कि क्या है इसके संदर्भ में दो रेयर प्रजातियां स्पीसीज और बटरफ्लाईज वेयर रिसेंटली फाउंड ड्यूरिंग अ सर्वे कंडक्टेड बाई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी दो बहुत ही रेयर प्रजाति की तितलियां जो हैं वो राला मंडल अभ्यारण्य पाई गई है अब सवाल यह है अब आप सोचेंगे कि यह खबरों में क्यों रहा तो आप सिंपल सी बात समझिए यहाँ पे अगर बात किया जाए कि रेयर स्पीसीज के बारे में ठीक है ना इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेयर स्पीसीज यहाँ समझिए इस रेयर स्पीसीज इस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये वन्य जीव अभ्यारण है ओके अब यहां मालूम है कि यहाँ पर इतने ही यहाँ पे क्या है प्रजातियां हैं अब इसमें कुछ अगर हमें कुछ रेयर का मतलब हो जाता है कि वैसी दुर्लभ प्रजातियां जो कि मिलती नहीं है और जो क्या है यूनिक है बाय इट्स फीचर बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक तो ये यूनिकनेस की वजह से और साथ के साथ क्या है इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है कि भाई जहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें एक काम जो अब हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती वो ये है कि हम जो भी चाहे फ्लोरा और फोना में जो भी स्पीसीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करें अब ऐसे में अगर कुछ दुर्लभ प्रजातियां दिखाई देती हैं तो दैट इज़ रियली वो अप्रिशिएबल है कि स्पेशली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राला मंडल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू ये सर्वे करवाया गया था और इसमें पाया गया कि दो नई प्रजातियां वो भी दुर्लभ प्रजातियां दुर्लभ मतलब ये कि ईजिली अवेलेबल नहीं है ये कहाँ पर है ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है 1989 में राला मंडल के बारे में अभ्यारण पांच वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ नर्मदा नदी अपनी उपस्थिति से अभ्यारण की शोभा बढ़ाती है अब आपको लगेगा कि इसका क्या मीनिंग है अब आपको मैं बताती हूँ 2014 या 15 में आई गेस आप देखिएगा यूपीएससी प्रिम्स का पेपर अब जब आप यूपीएससी प्रिम्स का पेपर देखेंगे ना तो अब आपको लगेगा कि उसमें क्या हुआ है उस समय पर एक केले की नई प्रजाति खोजी गई थी उस समय पर बनाना की नई प्रजाति उस समय पर एक ढूंढी गई थी ठीक है ना इट वॉज डिस्कवर्ड अब इसी से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि हाल ही में कहाँ पर रिसेंटली जो है एक न्यू स्पीसीज ढूंढा गया एक नई जो है प्रजाति बनाई गई है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मैं आप सबको ये बत, बता देना चाहती हूँ एक बार जाके क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न देखिएगा यूपीएससी में इस तरह के जो रेयर स्पीसीज हैं या कुछ नया इस तरह का रिसर्च हुआ है ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो हो सकता है कि जैसे आपने अभी देखा कि रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य में इतालियों की दो नई प्रजातियां वो भी रेयर प्रजातियां यहां पर पाई गई हैं दैट्स व्हाई दिस इज इन न्यूज़ और आपको ये ध्यान रखना क्योंकि कई बार हम जब सोचते हैं ना कि यहां से तो प्रश्न आएगा ही नहीं वहीं से प्रश्न आ जाता है समझ में आ गई बात या फिर आपसे एक प्रश्न राला मंडल अभ्यारण्य के बारे में पूछ दिया जाएगा अभी भी आते हैं है मैम ये पूछ रहे हैं जयसिंह का कहना है क्वेश्चन पूछा जाता है तभी तो मैं आप सबको बता रही हूं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रश्न आ चुके हैं तो इसलिए इस तरह के जो भी नए खोज नए रिसर्चेस और नई स्पीसी जो भी आ रहे हैं आपको उस पर क्या करना है फोकस करना है सो यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट ठीक है ना तो चलिए अब आते हैं यहां पर तो राला मंडल हमने इसके बारे में बात की कि राला मंडल कहां पर है वन्य जीव अभ्यारण अब आइए देखते हैं दलदली हिरण आइए देखते हैं दलदली हिरण स्वाम्प डियर क्योंकि यूपीएससी का एक बड़ा ही फेवरेट सेगमेंट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इकोलॉजी से काफी प्रश्न बनते हैं वहां पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज द बेस्ट कह लीजिए या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एक उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका क्या है स्वाम्प डियर पॉपुलेशन सीज राइज एट मानस टाइगर रिजर्व नंबर टू 174 सेवेंटी स्वाम्प मतलब होता है दलदली दलदली का मतलब क्या हुआ कि जो जो कह सकते हैं कि जहां पे दलदल जहां पे पानी हो और दलदल वाला जो एरिया हो वहां पे जाकर के ये बैठना या वहां पर ये ज्यादा जो है दिखाई देते हैं तो यहां देखिएगा चर्चा में ये क्यों रहा मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ने घोषणा की है कि पार्क में दलदली हिरणों की आबादी में वृद्धि देखी गई मानस टाइगर रिजर्व पॉपुलेशन ऑफ यानी इसकी संख्या बढ़ी है so, basically, ये क्या इट्स द नंबर ऑफ स्वाम्प डियर इंक्रीज इन मानस नेशनल पार्क वींस दिस इज अ गुड साइन एक अच्छा साइन है ये। <coughs> इसको देखिए अगर कहा जाए ये जो स्वाम्प डियर है ना अब देखिए प्रश्न आपके कहा से बन सकते हैं ये समझिएगा हो सकता है कि आपके प्रश्न बन जाए स्वाम्प डियर यानी दलदली हिरन के बारे में कहा जाए इज ऑल्सो नोन एज बारा सिंघा डियर स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बारा सिंघा या आप लोग देखेंगे यहाँ कि कई जगह गांव वगैरह में कहा जाता था लकड़ लकड़बग्घा नाम सुना आप सबने बच्चों को डराया जाता था छोटे जगह पे कहा जाता था देखो तुम हल्ला नहीं करो शोर मत करो नहीं तो क्या हो जाएगा लकड़बग्घा आ जाएगा बारा सिंघा आ जाएगा तो ये बारा सिंघा बेसिकली जो आप बचपन में दादी नानी की कहानियों में सुनते चले आए हैं ये बारा सिंघा क्या है भाई ये बारा सिंघा स्वाम्प डियर है जिसके बारे में बात हो रही है ठीक है ना तो ये अगर इसके बारे में कहा जाए तो ये स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत नेपाल के खुले हुए जंगलों के घास के मैदानों में ये पाया जाता है और कुछ जगहों पे तो ये लुप्त प्राय हो चुका है इट मीन कि इन सम हाउ इन सम रीजन इट वॉज यहाँ पर ये क्या हो चुका है कि इट वॉज एक तरह से कह लीजिए कि ये कोलैप्स मतलब नहीं है अब ये है ना सब कह रहे हैं यस मैम तो वह वही है जिसके बारे में आप देख रहे हैं जिसको बारा सिंघा के नाम से जाना जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में काफी जो है पश्चिमी दलदली हिरण नेपाल में पाया जाता है दक्षिणी दलदल हिरन जो है मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है पूर्वी हिरण काजीरंगा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है। सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया एंड ईस्टर्न स्वाम्प डियर जो है काजीरंगा एंड दुधवा नेशनल पार्क में ये पाया जाता है इज इट क्लियर या तो आप देख सकते हैं यहां पर इसके संदर्भ में इसकी कंजर्वेशन का जो स्थिति है व्हाट वाज़ द स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन लाल सूची में असुरक्षित ठीक है ना इसमें इसको माना गया है कि दैट दिस इज मतलब यह हुआ कि भाई इस पर फोकस करने की जरूरत है ये क्षण भंगुर वाली स्थिति में है अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो मे बी ये कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा ये लुप्त तो हो जाएगा तो दैट्स तो वाई इसपे क्या किया जा रहा है फोकस किया जा रहा है अच्छा एक पहल देखिए बड़ी अच्छी पहल एक आई है उम्मीद नाम से आप सब ने इधर पढ़ा होगा लगातार कि कोटा में बहुत सारे बच्चों ने इनफैक्ट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई पे सिद्धार्थ सर ने बहुत अच्छा सेशन इस पर लिया है कि लगातार जो है बच्चे जो हैं जो स्पेशली जो बच्चे मान लीजिए निट की तैयारी कर रहे हैं या, या प्लस टू की परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसे में सुसाइड जैसी जो जो घटना देखने को मिल रही है कोटा में आपने पढ़ा होगा कि कोटा में इस तरह के केसेस ज्यादा देखने को मिले इनफैक्ट छोड़ दीजिए आई में अभी इधर आया इस बीच में कि आई में जो बच्चे गए हैं उनके द्वारा सुसाइड किया गया है जो है काफी इस पे तो ये जो उसके संदर्भ में ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इसको लेकर के एक मामला जो है तो अब आइए देखते हैं उम्मीद यहाँ लास्ट है ये इसके बाद हम लोग का एमसीक्यू सेशन होगा तो इसीलिए रुके रहिए जितने बच्चे रुके हुए हैं सो तो प्लीज यहीं पे रुके रहिए लास्ट है ये उम्मीद और इसके बाद जो है हम लोग अब एम सेशन पे चलेंगे तो जिनके जिनके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि एम uh, सेशन कब होगा तो एम अभी होगा लेकिन एक बार इसको देख लीजिएगा काउंसलिंग एंड कंसल्ट देख लीजिएगा एंड कंसल्टिंग सर्विस बहुत ज्यादा यहाँ देखेंगे गवर्नमेंट इश्यूज गाइडलाइन टू प्रिवेंट सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स टाइटल उम्मीद अंडरस्टैंड मोटिवेट मैनेज इम्फेसाइज इम एंड डेवलप द गाइडलाइंस एम टू सर्व एज डायरेक्शन टू स्कूल फॉर सेंसिटिविटी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन केस ऑफ रिपोर्टेड सेल्फ हार्म अगर किसी बच्चे के द्वारा या अभी किसी बच्चे के बारे में ये पता चल जाए कि वो अपने आप को क्षति पहुंचाना चाहता है इफ ही और शी वॉन्ट्स टू हार्म हिम सेल्फ और हर सेल्फ तो ऐसे में इसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है कि हमें इस तरह के केसेस को रोकना होगा ठीक है ना यहाँ पर अगर बात किया जाए तो देखेंगे यहाँ पर कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर स्कूल टू प्रिवेंट सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के बीच में जो सुसाइड के केसेस बढ़ गए हैं उसको रोकने के लिए जो है शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है उम्मीद जो है जो कि मैंने आपसे बताया कि इसको क्या करना है इसी के तहत जो है आगे ले जाना रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उद्देश्य है स्कूली छात्रों में आत्महत्या को रोकना टू प्रिवेंट सुसाइड स्कूल स्टूडेंट्स समझ बढ़ाना है और उनको कहीं ना कहीं से रोकना है कि आप इस तरह की कोई भी कार्य ना करें ठीक है ना आप इस तरह की कोई भी कार्य ना करें अब एक मिनट यहां देख लेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

फॉर होम convention पार्टिसिपेटेड इन organized crime ministry कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल इटली चलिए अब आगे देखते हैं तो ये है क्या ये एक मल्टीनेशनल ट्रीटी है अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ठीक है ना संगठित अपराध जिसको कहते हैं यहाँ पर एंड ये ओफेन नोन एज द पार्लेमो कन्वेंशन इसको पार्लेमो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और इसके टोटल एक सौ सैतालीस सिग्नेचरी और एक सौ नब्बे से जुड़े हुए संगठित मतलब समझ रहे यानी कि कि ये है कि जो लोग मिलकर के क्या करते अपराध करते हैं व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना दबाना तस्करी अगर कहा जाए तो तस्करी सिर्फ किसी देश में नहीं कई बार वो सीमा पार भी होता है कई बार जानबूझ के क्या किया जाता है उन्हें कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाता है तो ये इसके बारे में जो है बात हो रही है यहाँ पर कि ये काम नहीं करना है ठीक है ना ये काम नहीं करना है तो हम लोग बात करेंगे यहां पर वन सेकेंड अच्छा चलिए अब आते हैं यहाँ पे कोंग गाओ चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट इस पे अभी सबको यहाँ पे अभी क्वेश्चन सेगमेंट करना है तो हम लोग कुछ को अभी यहाँ पे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं आ जाइए यहाँ पे तो, ओ, ओ ओ देखते हैं यहाँ पे देखिएगा ऑटो सेकेंड पल्स का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किया जाता है चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न के बारे में क्वेश्चन को, ये है ऑटो सेकेंड पलसेज आर यूज इन केमिकल रिएक्शन टू कूल डाउन द रिएक्टेंट्स स्पीड ऑफ द रिएक्शन फ्रीज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एड मोर रिएक्टेंट्स अभिकारकों को ठंडा करने में प्रतिक्रिया तेज करने में इलेक्ट्रॉनों की गति को स्थिर करने में और अधिक अभिकारक जोड़ने में चलिए अब आप लोगों के प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू हो चुका है अब हाँ जी क्वेश्चन और सेशन अब आप लोगों का शुरू हो चुका है तो जितने लोग भी वेट कर रहे थे इसका जी प्रिलिम्स बूस्टर में जितने लोग भी क्वेश्चन का आप लोग वेट कर रहे थे अब आप लोग आ जाइए यहाँ पे चलिए बताना है यहाँ पे ऑटो सेकेंड पल्स का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किया जाता है तो ये पूछा जा रहा है सो विच वन इज द राइट आंसर जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए फ्री इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ द रियक्शन रियक्शन चलिए फ्रीज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये उससे रिलेटेड है जो लोग भी अभी देख रहे हैं आंसर को ये उसी से क्या है रिलेटेड है और इस पर अभी हम लोगों ने प्रश्न किया था राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है इट इज सिचुएटेड इन यहां पर आपको बताना है यहाँ पे ओडिशा मध्य प्रदेश राजस्थान और बिहार तो चलिए इसके बारे में बता दीजिए कहां पर है ये वेयर इज दैट राला मंडल जहां पर अभी तितलियों की दो दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं उन्हीं के बारे में यहां पर बात हो रही है चलिए आंसर दे दीजिए क्या होगा और देखिए मैं बार बार कह रही हूं कि यहां पे बने रहिए मैं आप सबके आंसर देखती हूं अनामिका है हाँ जितने लोग भी क्लास में हैं मैं आप सबके आंसर देख रही हूं सो प्लीज अभी बने रहिए क्लास में हाँ अभी बने रहिए क्लास में आप सब लोग दिस इज इन मध्य प्रदेश आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोरल लीफ पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कोरल रीफ सॉरी द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इंडिया इज अ में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत इस पहल का सदस्य है इन कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है एक है दो है एक और दोनों है न तो एक होगा और न ही दो होगा कवि मैं सभी का आंसर देख रही हूँ बस आप लोग आंसर तो दीजिए भाई पहले आप लोग आंसर तो दीजिए अच्छा एक चीज बताइए ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हिस्सा है हाँ जी ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हिस्सा है कुछ भी आंसर देने से पहले थोड़ा सोचा भी कीजिए लोग हैं कुछ भी आंसर देने से पहले कुछ तो सोचा कीजिए कि क्या आंसर दे रहे हैं भारत इस पहल का सदस्य देश है इसमें कोई डाउट नहीं है दिस इज द राइट आंसर तो पहला वाला नहीं होगा यहां पर होगा द करेक्ट आंसर इज बी यहां देख लीजिएगा बी इज द राइट आंसर पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा वहां से आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई से डाउनलोड कर लीजिएगा इस पर बहुत गहन चर्चा मैं कर चुकी हूं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज संप्रीति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड संप्रति अभ्यास जो है ये भारत और किसके बीच में आयोजित किया जाता है बांग्लादेश नेपाल इंडोनेशिया और भूटान जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका क्या होना चाहिए सो विच वन इज द राइट आंसर सिद्धार्थ थोड़ा सा देख लीजिएगा ये जो आप बोल रहे हैं ना अगर आप लेट आए होंगे तो इस पर मैंने पूरा का पूरा विस्तार से गहन चर्चा किया है मैंने इस पर हाँ, मैंने काफी गहन चर्चा इस पे किया है तो अगर आप नहीं होंगे उसमें तो माइट पॉसिबल कि आपको इसी वजह से दिक्कत आई होगी एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही है यहां पे तो हम लोग क्या देख रहे हैं बांग्लादेश के साथ संप्रति अभ्यास संप्रति जो है इसका आयोजन किया गया ग्यारहवा संस्करण था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाशोली पश्मीना पाशोली पश्मीना के बारे में आपको बताना इट इज हैंड स्पन ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यह जम्मू और कश्मीर का हाथ से बनाया गया पारंपरिक शिल्प है जिसके बारे में हम लोग देख पा रहे हैं द सेकेंड इज इट हैज रिसीव्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है क्या होना चाहिए सो विच वन इज द राइट आंसर चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए सो विच वन इज द राइट आंसर इसके संदर्भ में जो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है क्या बात है इस प्रश्न में तो सच में गदर मचा दिया आप सब ने हाँ बाढ़ ले आए सब लोग सीखा बिल्कुल सही है यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल सही है एक और दो दोनों होगा यहाँ पर बी आर अब देखिए यहाँ पर देखिए अब देखते हैं कि आप लोग क्या यहाँ पे बताते हैं कि सबसे ऊंची प्रतिमा जिनका नाम है अंबेडकर का अनावरण 14 अक्टूबर को किस देश में किया जाएगा आर इन विच कंट्री विल द टॉलेट स्टैचू ऑफ अंबेडकर वी बी अन ऑन अक्टूबर फोर्टीन तो यहां देख लीजिए यहां पर कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ठीक है ना भीमराव अंबेडकर जी ठीक है ना इनकी प्रतिमा जिसका नाम है बी आर के नाम से यह प्रतिमा का अनावरण किया जाना है तो यह कहां पर किया जाएगा जो कि सबसे टॉलेस्ट जो है ये प्रतिमा रहेगी तो यह कहां पर रहेगा यह बताना है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो कि 14 अक्टूबर को अनवेल्ड होना है इन यूनाइटेड स्टेट्स यूके इंडिया एंड कनाडा अरे वाह बहुत बढ़िया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सो फर्स्टली यू हैव टू आपको क्या करना है इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज आल्सो नोन एज द पार्लेमा कन्वेंशन इसको पार्लेमा कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है इट डील्स विद द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन एंड माइग्रेंट्स थ्रू इंटरनेशनल बॉर्डर्स अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से जो हम लोग क्या देख रहे हैं व्यक्तियों और प्रवासियों की तस्करी से संबंधित है द थर्ड स्टेटमेंट इज इन इंडिया द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द नोडल एजेंसी विच डील्स विद द यूएन टी ओ सी भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है एक नोडल एजेंसी है जो कि यूएन टी ओ सी से संबंधित है तो चलिए बताइए इसमें क्या होना चाहिए विच वन इज द राइट आंसर हाँ जी सभी लोग आंसर दीजिए सो विच वन इज द राइट आंसर ये अगर बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ ठीक है ना ये उसके संदर्भ में कहा जा रहा है तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑल होगा उपरयुक्त सभी जिन लोगों ने भी आंसर दिया है यहाँ पर हाँ मैं देख रही हूँ आप सबके आंसर सो द करेक्ट आंसर इज डी ठीक है ना नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में रिसेंटली द नोबल प्राइज 2023 इन केमिस्ट्री हैज बीन अवार्डेड टू मोंगी जी बॉवेंडी लिवाइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी एक्मो फॉर विच डिस्कवरी यानी इनको कौन से जो है खोज के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है डिस्क्री एंड सिंथेसिस ऑफ क्वान की खोज और संश्लेषण के लिए फॉर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव और जो है उसके अलावा क्लिक केमिस्ट्री के लिए एस्टिमेट्रिक ऑर्गेन यहां पर ऑर्गेन कैटेलिस के विकास के लिए भी इनको मिला है तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ये तो इजी है भाई ये तो हम लोगों ने आज काफी इस पर बात की है केमेस्ट्री के बारे में अगर बात किया जाए तो हमने काफी इस पर बात की और मुझे लगता है कि इसके बारे में आप इजीली आंसर दे पाएंगे हाँ जी जल्दी से आंसर दे दीजिए सो विच वन इज द राइट आंसर फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स बिल्कुल सही है क्वांटम डॉट्स की खोज के बारे में संदर्भित है ये ओके okay? चलिए अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाल ही में किस पार्क में दलदली हिरणों की आबादी में वृद्धि देखी गई है विच पार्क हैज रिसेंटली सीन एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्वाम्प डियर पीलीभीत टाइगर रिजर्व मानस नेशनल टाइगर पार्क जो है पार्क एंड टाइगर रिजर्व कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ओरांग नेशनल पार्क चलिए इसका आंसर दे दीजिए सो विच वन इज द राइट आंसर चलिए इसका आंसर जो है दैट इज मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व यस एग्जैक्टली नाउ अब लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कांगथांग हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड एट द नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 इन द मिनिस्ट्री बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन विच स्टेट इज लोकेटेड हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 में कोंगथांग जगह का नाम है प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में अवस्थित है अरुणाचल मिजोरम मेघालय एंड सिक्किम <laughs> इस वाले प्रश्न में सब कंफ्यूज हो गए हाँ इस वाले प्रश्न में सबके सब, सब कन्फ्यूज हो गए जी इस वाले प्रश्न में मुझे लग रहा था कि इस वाले प्रश्न में आप गड़बड़ करेंगे एंड यू ऑल डू दैट आप सबने गड़बड़ किया भी आप सबने गड़बड़ किया भी कहाँ पढ़ लिया कि ये मिजोरम में है पहली बात तो ये बताइए यहां पे हाँ जी कहां पढ़ लिया है कि आप लोगों ने कि ये मिजोरम में है क्वांगथांग के बारे में अगर कहा जाए यहाँ पे <laughs> अब देखिए अब ये इनके तुक्के शुरू हो गए हैं यहाँ जाइएगा देखिए मेघालय इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी मेघालय देखिए इस गांव के बारे में अगर कहा जाए ना तो इसकी एक अनूठी विशेषता क्या है कि यहाँ के लोग जो इनके पूर्वज हैं उनके सम्मान में एक सॉन्ग गाते हैं जिसको जिंगरवाई कहा जाता है उनके सम्मान में जो गीत गाया जाता है जिंगरवाई जिंगरवाई क्या यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये सम्मान में सम्मान का मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो स्पेशली जो इनके पूर्वज हैं उनके सम्मान में ये लोग जिंगरवाई गाते ये यहाँ की एक प्रचलन है एक परंपरा है तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो चलिए बाकी तो आप लोगों ने देख लिया यस yes, और uh... हाँ मैं फिर से कहूँगी देखिए रॉब का लास्ट बैच स्टार्ट है बच्चों तो जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया है तो काइंडली एडमिशन ले लीजिएगा और करेक्ट आंसर मैंने आप सबको बता दिया है तो कैसा रहा आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा सो जुड़े रहिए बने रहिए कनेक्ट रहिए शाम में पाँच बजे मिलिए मुझसे हिस्ट्री के एम सेशन में सो वी विल मीट एट फाइव पी और हमारा हिस्ट्री का सेगमेंट रहेगा ठीक है तो आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा हाँ जी अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं हम लोग फिर ओके शाम में पाँच बजे इतिहास के सत्र में या हिस्ट्री एम में हम लोग मिलेंगे ओके तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए ध्यान रखिए ओके अब है धन्यवाद थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टेक केयर अपना ध्यान रखिए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब